वो ग्रुप में तो देखो हेड नहीं होता। ओके आपका फर्स्ट है 1 किलोमीटर इंटू इक्वल टू मीटर, 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एम एम, है ना। आपको बॉक्स फिल इन द बॉक्स, आपको फिलअप करो, एम्प्टी बॉक्स में क्या होगा? 1 किलोमीटर 1000 फिर 100 फिर 10 1000 1 किलोमीटर 1000 फिर 100 10 ओके ना, एकदम सही। ठीक है, अब आपको ऐसे करना है, 1 मीटर इक्वल टू किलोमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, अगेन 1 मिलीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। अब आपको ये डेसिमल में लिखना है अपना आंसर को, या आप इसके एम्प्टी बॉक्स को फिलअप करो आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आंसर बता बेटा, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर इन डेसिमल फॉर्म? आपका डेसिमल में कन्वर्ट करो इसे और आंसर बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर फर्स्ट का 0.001 फिर सेकंड का 0.01 सर सेकंड का 0.01 फिर थर्ड का 0.01 सेकंड का 0.01 थर्ड का 0.1 यस सर। मैंने दिया पूरा आंसर सर, कोई बोल ही नहीं रहा था। कंफर्म हो आप? बोल रहा था ना तीर्थ मेहता। ओके ना, अब आपको मैं चेंज कर रहा हूँ ये डाटा, ठीक है? आपका गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अभी होना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? 0.7461 0.7461 ओके यस सर। 1 माइनस आंसर बताओ आप। आंसर 0. ऐसा नहीं, 0.740 ऐसा नहीं, वो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो आप? चैट में कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना? चैट में कैलकुलेटर? नो सर। आप स्टेप बताओ। हाँ ठीक है, स्टेप बताओ ना आप, इसके स्टेप बाय स्टेप बताओ सॉलो सर, स्टेप बाय स्टेप आप बताओ, सब्ट्रैक्ट करो इसे आप सर। देखो हाँ सर मैं बताता, 1.000 कर देंगे अपन माइनस। वेरी गुड वेरी गुड, आप 1 को लिखोगे 1 पॉइंट आपका 1, 2, 3, 4 डेसिमल के बाद हाउ मेनी डिजिट, जस्ट आफ्टर डेसिमल देयर आर 4 डिजिट 1, 2, 3, 4 सो आप 4 ले लो, है ना। आपका ये 1, ये 0 ले लो, फिर ये 0, फिर ये 0 और ये 0 ओके। अब इस पे आपको सबट्रैक्ट करना है, क्या सबट्रैक्ट करना है? 0 पॉइंट, तो आपको पॉइंट और पॉइंट एकदम सेम होना चाहिए, जैसे जस्ट पॉइंट के नीचे में ये पॉइंट ले लिया और उसके बाद ये आपका 0 है और ये 7461 तो 7461 ना। अब आप कर दे, सबट्रैक्ट करो और देखो क्या आ रहा है आंसर। कर चुका कॉपी में, क्या आ रहा है बताओ? 0 में 1 को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? हाँ बताओ सर। मैं बताऊँ? हाँ बताओ। सर
सर 0.2539 आंसर नहीं, मुझे स्टेप चाहिए ना, आप मुझे स्टेप चाहिए, आप तो सबट्रैक्ट इधर से कर रहे हो ना, तो आपके पास बोर्ड में है क्वेश्चन दिख रहा है, अब आप सबट्रैक्ट करो, जीरो में वन को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बताओ, इस तरह से आप सबट्रैक्ट करो और आंसर बताओ इस तरह से। ऊपर 10 वेरी वो कट करके 10 करेंगे, ये लो मैंने 10 कर दिया इसे, और ये आप आपका एक 10 आप इससे ले रहे थे, ये अब आपके लिए हाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, वेरी गुड 9, और ये क्या हो जाएगा अब आपका, उसको 9 कर दूंगा, ये भी 9, और ये क्या होगा आपका, ये भी 9, और ये क्या होगा आपका 9 होगा, वो भी ये 1 आपका 9 हो जाएगा, यस ये आपका 0 हो जाएगा, बोलो सर मैं हां, अब सबट्रैक्ट करो, अब सबट्रैक्ट करो इसे 0.2539 10 माइनस 1 क्या आ रहा आपका 9 आया, और 9 माइनस 6 क्या आएगा आपका 3, फिर 9 माइनस 4 क्या आ रहा आपका 5, 9 माइनस 7 क्या आ रहा 2 डेसिमल और ये 0, इट मींस ये आपका क्या आया 0.2539, आपको एग्जाम में आएगा बेटा डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, कैसे करोगे आप जब अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो मेरे को आता है, मैं तो आंसर बोल भी दिया सर। हाँ किस वंशिका बेटा समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना है, अनम्यूट करो वंशिका, सर मैं बता दिया सर, मैं नेट नहीं काम कर रहा था, नंबर को आप ध्यान रखना कि डेसिमल नंबर में जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो डेसिमल का जो पॉइंट है वो जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए, जैसे मैं 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 0.7461 है ना, तो आपका 1 तो सिंगल डिजिट है और डेसिमल के बाद आपका देयर आर 4 डिजिट्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 1 के बाद डेसिमल और फिर 40 ले रहा हूँ, तो 1 पॉइंट और 1 2 3 4 40 ले लिया। सेकेंड स्टेप मैं जस्ट इसके डेसिमल के नीचे या डेसिमल रखा, अब आपका 0.7461 है तो 0.7461 देखो डेसिमल और डेसिमल भी मैच कर गया, ये इंपॉर्टेंट है, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, अब आप इसे सबट्रैक्ट करो तो ये आपका 0.0 है तो आप कैरी ले लो, अब 1 से कैरी लोगे तो ये 10 होगा, बाकी सारा आपका 9 आएगा, जब आप सबट्रैक्ट कर लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और इसी टाइप का ये सर, सर इस बार मैं डायरेक्ट आंसर बोल दूंगा, मैं सॉल्यूशन करके, सेकंड है आपका, वन पहले सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, माइनस 3254 0.3254 सॉल्व करो बेटा, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मुझे स्टेप चाहिए है ना, स्टेप चाहिए सर, मेरा आंसर आ गया 0.6746 स्टेप बता, ठीक है स्टेप बताओ, नहीं कॉपी एक मिनट, तीर्थ कॉपी दिखाओ कैमरा में, ये सर वंशिका का सही है, ये देखो सर वंशिका का सही है, तीर्थ यस सर कॉपी नहीं दिखा रहे बेटा, मौली दिखाओ बेटा, आप सॉल्व करें मौली, ना आज कॉपी आप पाचर कर लो, क्या हो गया वंशिका, क्या बोल रही हो वंशिका, नहीं दिखा रहे हो क्या, देशना दिशा चेष्टा कहाँ हो आप लोग, मेरा अभी नेटवर्क नहीं चल रहा था तो मैं कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और सर हाँ सर कर चुका था, ठीक है तीर्थ हाँ चेक कर लिया, और अनंत हार्दिक अनिका और ये कौन है तन्मयता,
सॉल्व नहीं कर रही हो तन मेहता क्वेश्चन को, ये रिवीजन का क्लास है, डेसिमल नहीं कर रही हो। मैंने तो कर चुका था। नहीं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, तन मेहता अनम्यूट करो। यस तन मेहता, कुशल फिर से दिखाओ, कुशल फिर से दिखाओ, कॉपी फिर से लाओ कुशल। हाँ ठीक है कुशल। और तन मेहता कॉपी नहीं, सॉल्व नहीं कर रही हो क्या क्वेश्चन को? तन मेहता अनम्यूट करो। हाँ निमिषा कॉपी दिखाओ। सही है तन मेहता, वॉइस नहीं जा रही है क्या? और श्रेयांश, सोनू, आर्य, हाँ दिखाओ। यस सर। सोमी और कॉपी, सही है चेस्टर, करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ओके हाँ, कन्वर्ट करना है 1/10 इक्वल टू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, 1/100 इक्वल टू 1/1000 इक्वल टू। ओके सर। और नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट वाला 0.1 है, सेकंड वाला 0.01, थर्ड वाला 0.00। नहीं तीर्थ सर, फर्स्ट वाला 0.1, सेकंड वाला 0.01, थर्ड वाला 0.0। सर कहना ही सर नहीं। मौली, मौली, ओके फर्स्ट आंसर बताओ मौली, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? चेष्टा, नहीं चेष्टा, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 625.75%। चेष्टा आंसर बताओ इसका। ये वाला करो बेटा, सॉल्व करो। हाँ चेष्टा, आपको ये लास्ट क्वेश्चन बताना है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। और मौली रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे बेटा आज? मौली किसा की ना, क्या आंसर क्या है आपका इसका? मैम मैं ऐसा मैंने सॉल्व, आंसर क्या आ रहा मेरा? आंसर तो बताओ तन मेहता, रिप्लाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो बेटा तन मेहता? यार कोई और नाम है क्या इसका? तीर्थ मैसेज में आंसर का मैसेज करो, क्वेश्चन नंबर 625.75% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसका आंसर जो आ रहा है वो मैसेज करो। वंशिका सॉल्व, सर सॉल्व हुआ कोई क्वेश्चन बताओ? ये रिवीजन क्लास है, डेसिमल से रिलेटेड है बेटा, है ना? अब आप एनसीईआरटी में मत जाओ, एनसीईआरटी की ही चीजें इसमें है, लेकिन क्वेश्चन वो अलग है, कॉन्सेप्ट आपका भाई डेसिमल में पढ़ाया हो ना, हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू डेसिमल, अगेन हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, तो वो सारा जो रूल्स है आप याद करो और इसमें यहाँ सॉल्व करो। रिविजन मीन्स अगर आप रिविजन कर रहे हो अच्छे से तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो वंशिका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बताओ? 1/100 इक्वल टू 1.00।
रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट कोई और, रुक जाओ. चेष्टा, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको बताना, सिर्फ ये 625.75 पर, वो भी मैसेज में बताना है. चेष्टा सर सेंड कर रहे हैं, शायद तक पता नहीं है, मैं को समझ नहीं आ रहा. रुक जाओ. हाँ, चेष्टा का रॉन्ग है और तीर्थ मेहता का करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलो तीर्थ को मैं दे रहा हूँ. हाँ एक मिनट, तीर्थ का जरा एक्सप्लेनेशन सुन लो. तीर्थ, तीर्थ, यस सर. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर ये बताओ, सॉल्व करो. 625.75% इक्वल टू, ये डेसिमल में आपको लाना है. आपका आंसर करेक्ट है, आप स्टेप बताओ. नहीं नहीं अब एक क्वेश्चन रुक जाओ, मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, चूंकि थोड़ा टफ है, उसके बाद फिर आपको मैं दूंगा एक्सप्लेन करने के लिए. तीर्थ आपका करेक्ट है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करने दो. ये परसेंटेज है, परसेंटेज मींस मैंने आपको क्या, मैं क्या बताया कि परसेंट मींस आपका डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होगा. आप 625.75, अब परसेंट के बदले हम लोग 1/100 ले सकते हैं, 1/100 ले सकते हैं. तो ये अब आपको आया 625.75 डिवाइडेड बाय 100. ये परसेंटेज का 100 में यहाँ लिया. अब आप इसे रिमूव करो, किसे रिमूव करोगे, अब आप ये डेसिमल को रिमूव करो. तो जब आप डेसिमल रिमूव करोगे, ये डेसिमल मैंने रिमूव किया, तो डेसिमल के बाद आपके पास देयर आर टू डिजिट, जस्ट आफ्टर डेसिमल दो डिजिट है, 7 और 5, तो आप 2 जीरो लोगे. तो मैंने यहाँ 2 जीरो ले लिया. तो दिस इक्वल्स आपका 625.75 डिवाइडेड बाय 1 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4. इट मींस आप 4 नंबर ऑफ जीरो क्या 4, तो डेसिमल आपका क्या होगा, 4 डिजिट के लेफ्ट में होगा. मींस आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4. तो इसका आंसर आ रहा है आपका 6.2575. ये आपका आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. अनम्यूट कर रहा हूं मैं. नहीं समझ में आया सर, मुझे भी समझ नहीं आया. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ सर, मुझे भी नहीं आया. ठीक है, समझ आ गया. कुशल, अच्छी बात है बेटा, समझ गया. अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे. हाँ ठीक है, अब देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ. हाँ फिर से मैं समझा रहा हूँ. आपका 625.75% है. ओके, तो परसेंट मींस डिनोमिनेटर, जैसे आपको मैं 4% की बात करूं, 4% मींस क्या होगा, 4/100. अगर मैं 20% की बात करूं, मींस 20/100, तो 4/100 मींस अब आप 0.04 ले सकते हो. 0.04 क्यों, क्योंकि आपका दो डिजिट है, तो डेसिमल 1 और ये सेकंड डिजिट के बाद में आपका 0 आएगा. तो सेकंड एम्प्टी था, तो मैंने 0 ले लिया, उसके बाद आपका डेसिमल है. इसी सिमिलर एग्जाम 20% मींस 20/100. अब डेसिमल का नंबर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन डिनोमिनेटर, देयर आर टू डिजिट इन डिनोमिनेटर, 100 में 2 डिजिट है, तो डेसिमल में आपका 2 डिजिट के लेफ्ट में रहेगा. मींस आपका ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसके जस्ट बाद आपका डेसिमल मींस 0.20, ये आपका डेसिमल में आ रहा है. सिमिलरली अगर मैं 625.75 को लूं, तो देखो ये आपका 625.75, और ये परसेंट, परसेंट की जगह क्या होता है आपका, 100 होता है. अभी मैं बताया हूँ कि परसेंट की जगह आप डिनोमिनेटर में 100 लिखोगे, परसेंट का सिंबल रिमूव करो और डिनोमिनेटर में 100 लिखो. जैसे 25%, या किसी को बोला जाता है ना कि आपका एग्जाम है मार्क्स 94% आया, 94% मार्क्स का मतलब है कि आउट ऑफ 100 यू विल गेट 94 मार्क्स. तो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. तो अगर मैं परसेंट का सिंबल हटा रहा हूँ, तो आपको डेनोमेटर में क्या कर रहा हूँ, 100 दे रहा हूँ. सिमिलरली मैंने
देखो यहाँ परसेंट का सिंबल हटाया तो डिनोमिनेटर में मैं 100 ले लिया, लेकिन ये आपका डेसिमल का ही तो नंबर है। आप एक और मेथड से मैं बता रहा हूँ, आप इस डेसिमल को नहीं भी रिमूव करोगे तो भी, जब आपका एक मेथड था डेसिमल में कि जब आप डिनोमिनेटर में या 10, 100, 1000 या 10 का मल्टीपल से जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो डेसिमल हमारा मूव करता है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड अभी आप डिवाइड कर रहे हो किससे, हाउ मेनी जीरो, 20 मींस ये मूव करेगा ये लेफ्ट साइड आपका फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट 2 के जस्ट लेफ्ट, आपका आंसर होगा 6.2575, ये आपका आंसर है। मैं जब भी किसी को डिवाइड करूं तो डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा, फॉर एग्जांपल मैं 6258.964 को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से, तो 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जब किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल मूव करेगा, किस साइड मूव करेगा, वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो पे। यहां डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो क्या सिंगल वन है, तो आप ये डेसिमल मूव करेगा 8 के जस्ट आफ्टर बिफोर, मींस ये अब आपका 8 के जस्ट बिफोर 625.8964, ये इस तरह से आंसर है। अनम्यूट कर रहा हूं, कोई डाउट है तो अभी भी पूछो। यस वंशिका, कोई डाउट है बेटा पूछो। सर स्क्रीन नॉट क्लियर, साइट क्लियर। ओके चेष्टा, सर मैंने क्या कैसे किया सुनो ना, 625.75 × 1/100 किया। हाँ फिर हा? फिर मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया तो आया 6.2575 × 100 किया। yes. तो फिर 6.2575 / 1000 हो गया। वेरी गुड बेटा, 10,000। देखो 10,000, हाँ ठीक है ना। अभी आप देखो मैं डेसिमल को रिमूव कर रहा हूँ फर्स्ट, है ना, तो 625 डेसिमल था आपका 75, ये परसेंट है, मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो ये 1 और ये 0,0 आ गया। अब आपको किसे रिमूव करना है, परसेंट को, तो परसेंट मींस आपका 100 ही तो होता है, तो मैं फिर से परसेंट के लिए मैं 100 ले लिया और अब आपका ये डेसिमल भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब आपके लिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 40 है डिनोमिनेटर में, मींस अब आप डेसिमल को 4 डिजिट शिफ्ट करो, किस साइड, लेफ्ट साइड, तो आपका ये 4 है, 1, 2, 3। तो अब मैं एरो लगा रहा हूँ, देखो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये आपका मूव कर रहा है डेसिमल, तो 2 के जस्ट बिफोर आएगा तो आंसर आएगा 6.2575, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? सर एक बार मेरा स्टेप देखें, सर एक बार कैमरे में देख, एक मिनट रुक जाओ देख रहा हूँ, रुको। हाँ ठीक है, सही है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन है, आपका है एक्स इक्वल टू 2, देन 50x इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। सर 100 और वंशिका, वंशिका क्वेश्चन बताओ बेटा, कुशल 100 तीर्थ आंसर को मैसेज करना है ना, मैसेज किया करो अपना आंसर को। वंशिका चेष्टा, यस वेरी गुड, 100 आएगा क्योंकि आपको x की वैल्यू डालनी है। आंसर देखो आपका 50 × x, दिस इक्वल्स 50 × x की वैल्यू आप क्या लोगे, x की वैल्यू आप 2 ले रहे हो तो आपका 2 हो गया, दिस इक्वल्स 50 × 2 मीन्स 100, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन फिर से मैं दे रहा हूँ, इफ x इक्वल टू 2, सर आप चैट में देख ले,
40x equal to what? 30x equal to what? 20x equal to what? 10x equal to what? मैसेज करना है ना, इस पर रिप्लाई नहीं करना, मैसेज करो आंसर को. कुशल का करेक्ट आंसर, तीर्थ का करेक्ट आंसर है, और भी आंसर चाहिए. सभी बच्चे रिस्पॉन्स करो. वंशिका रिप्लाई करो बेटा. अरिहंत का, अरिहंत क्या लिख रहे हो बेटा, अभी तक आपका सॉल्यूशन नहीं आया है. तनिका आपका क्वेश्चन, करेक्ट है तनिका, तन मेहता करेक्ट है, तनिका का करेक्ट आंसर है. आर्य रिप्लाई करो, आर्य मैसेज करो, सॉल्व करो क्वेश्चन. वंशिका करेक्ट आंसर है, खुद से बनाया हो बेटा वंशिका? यस सर. यस बेटा करेक्ट है. निमिषा सिर्फ एक आंसर आप लिखे हो, करेक्ट है आपका, हालांकि बाकी के आंसर भी रिप्लाई करो निमिषा. जो आते दे. और मौली सभी आंसर आपके सही है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ओके स्टॉप मैसेज. ओके ये आपका सभी का आंसर करेक्ट है, एक एक दो का सिर्फ रॉन्ग आंसर आया है. श्रेयांश आपका आंसर करेक्ट. अब देखो सॉल्यूशन इसका, जो बच्चे रिप्लाई नहीं किए उसके लिए. सर मेरा नाम तानी है. तो तनिका के नाम से एंट्री की हो आप, रीनेम का ऑप्शन दे रहा हूँ, चेंज कर लो, चेंज कर लो. अब देखो इसको, इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 है, 2 मींस 40, 40 इंटू 2 दिस इक्वल्स 80. नाउ 30 इंटू x मींस 30 इंटू 2 दिस इक्वल्स 60. 20 इंटू x मींस 20 इंटू 2 दिस इक्वल्स 40. एंड 10 इंटू x मींस 10 इंटू 2 दिस इक्वल्स 20. ये सारे आपके आंसर हो गए. क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू डालनी थी 2, x की वैल्यू हमें 2 डालनी है. नाउ अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, you have to identify the algebraic expressions with numbers only. Okay, first है आपका 4x plus 10, second 50y plus 2, third 50x, fourth आपका 50. आपको ये जो algebraic expression है इसमें आइडेंटिफाई करने के कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ नंबर है और आपको मैसेज करना है वो. सर मैंने आंसर भेज दिया चैट में, एक बार चेक कर लो ना. यस सर मैंने भी भेज दिया.
निमिषा का करेक्ट आंसर है, और एक मिनट, हाँ तीर्थ करेक्ट, वंशिका रॉन्ग आंसर, तीर्थ का, एक मिनट वंशिका क्या लिखी है, वंशिका करेक्ट है आपका भी, वंशिका करेक्ट है आपका, वंशिका करेक्ट, तीर्थ का भी करेक्ट है, निमिषा करेक्ट, और कुशल का रॉन्ग है। कुशल का रॉन्ग है, और रिप्लाई करो बेटा आप लोग, मैसेज करो आप लोग। तानी मैसेज नहीं कर रहे हो, तानी, तानी का रॉन्ग आंसर है, कैसे रॉन्ग आंसर है तानी, और मौली का करेक्ट आंसर है। सर ये मेरे को समझ नहीं आया कैसे करना है। आप ये क्या लिखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ नंबर ओनली, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल नहीं हो सिर्फ नंबर हो तो कौन सा होगा। क्वेश्चन समझ में आया है या फिर से एक्सप्लेन करूं? देखो सर, हाँ सर अब मैं आंसर बता दूं क्या सर? चलो बताओ, ठीक है तीर्थ बताओ। हाँ सही, अब मुझे एक्सप्लेन करने दो। देखो फर्स्ट आप समझो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका नंबर भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है या नंबर, नंबर में क्या है वेरिएबल हो और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे बी सिंगल नंबर्स और मे बी सिंगल वेरिएबल्स और मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ 50 लूं तो 50 हमारा सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। सेकंड का मैं वेरिएबल का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं सिंगल, अगर मैं एक्स ले रहा हूं तो सिंगल अगर एक्स है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और म्यूट करो किसके यहां से, हर्ष म्यूट कर लो। और नेक्स्ट है आपका नंबर वेरिएबल और मैथमेटिकल वेरिएबल वगैरह सब पढ़ाए थे सर। ठीक है ठीक है, चुप रहो अभी। अब इसका एग्जांपल आपका क्या होगा, नंबर्स मैं मान लो ये 52 प्लस 10x ले लिया हूं, है ना, ये आपका नंबर हो गया, ये आपका क्या है वेरिएबल भी है और ये प्लस किसका है, ये ऑपरेशन का है, तो इसका कॉम्बिनेशन ये भी हमारा मैथमेटिक्स और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली, तो ये भी आपका एक्सप्रेशन तो है लेकिन इसमें आपका क्या है, ये देखो ये वेरिएबल है, एक्स हमारा वेरिएबल आ गया, ये भी एक्सप्रेशन है लेकिन वाई हमारा क्या आ गया वेरिएबल आ गया, ये 50x भी एक्सप्रेशन है लेकिन एक्स हमारा क्या आ गया वेरिएबल आ गया, लेकिन ये जो 50 है 50 सिर्फ और सिर्फ क्या है नंबर है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 50। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तानी? नो सर नो डाउट। तानी सर क्लास में आधे से आधे तक, तानी क्लास में हो या नहीं? यस सर। डाउट है अभी? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से, अब आपको क्वेश्चन सेम है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें सिर्फ नंबर्स और वेरिएबल्स नहीं हो। फॉर एग्जांपल यस, व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी 3। वंशिका, तानी रिप्लाई करो। सर आंसर 3। वेरी गुड। तानी आंसर सी।
क्यों है? चलो एक्सप्लेन करो, आंसर सी क्यों होगा बताओ आप। सर सब नंबर है, देखो फर्स्ट वन है 3x वेरिएबल है, वेरिएबल है 2x वेरिएबल। तानी सर आप बार बार वन को देते हो। हाँ वंशिका, वंशिका एक्सप्लेन करो। हाँ ये आंसर आपका करेक्ट है, एक्सप्लेन करो क्यों ये है आंसर आपका करेक्ट है। सर क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल है और सेकंड वेरिएबल है, यस, और सर थर्ड, इसलिए थर्ड कोई नम लेटर नहीं है इसलिए वो वेरिएबल नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, कोई भी वेरिएबल है। वेरी गुड बेटा, ओके थैंक यू। आप लोग ये रिवीजन का क्लास को अटेंड किया करो, आपका अटेंडेंस भी आएगा, अब शॉर्ट अटेंडेंस रहेगा तो आपको मार्क्स भी कम रहेंगे। हाँ अपने फ्रेंड्स को बोलना क्लास को, जिनका अटेंडेंस शॉर्ट है उसे फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में। और ये वीडियो पोर्टल के थ्रू देखना और ये सारा कॉपी में मेंशन करना, सभी का सभी जो क्वेश्चन में कर रहा हूँ कॉपी में, रिवीजन के नाम से पर डे सॉल्व किया करो सेम क्वेश्चन को। Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Bye.